सुशांत सिंह राजपूत की मौत एक ऐसी मिस्ट्री जिसके हल होने का इंतजार हर कोई कर रहा है। सुशांत ने की आत्महत्या या फिर उनकी की गई हत्या, इसकी जांच सीबीआई कर रही है। लेकिन सुशांत की मौत ने कई बहसों को छेड़ने का काम किया है। भले ही सुशांत मौत की सुई नेपोटिज्म से खिसक कर रेखा चक्रवर्ती पर आ गई हो, लेकिन सुशांत के फैंस ने साबित कर दिया है कि नेपोटिज्म यानी कि बॉलीवुड परिवारवाद को सबक सिखाना जरूरी है। अब इसी कड़ी में सुशांत फैंस ने भट्ट परिवार की लाडली आलिया भट्ट को तगड़ा झटका दिया है। जी हाँ, आलिया को सुशांत के फैंस ने ना घर का छोड़ा और ना सड़क का। नहीं समझे तो समझाते हैं। आलिया के पिता श्री महेश भट्ट ने सड़क दो बनाई है। ये कोई रोड नहीं बल्कि 1991 की फिल्म सड़क का सीक्वल है। इस फिल्म में पापा की परी आलिया भी है जो कि हाईवे से सड़क पर पहुंच गई है। सड़क दो में आलिया समेत आदित्य रॉय कपूर और पुरानी सड़क के संजय दत्त और पूजा भट्ट की तस्वीर भी शामिल है। क्या खूबसूरत कॉम्बिनेशन है, छोटी बेटी आलिया के साथ बड़ी बेटी पूजा की तस्वीर। फिल्म सुपरहिट होने का बेहतरीन फॉर्मूला। लेकिन इस फॉर्मूले को सुशांत सिंह के फैंस ने फेल कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे, तो धैर्य से सुनिए, सब बताते हैं। जैसा कि सुशांत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा तो आपको याद ही होगी, इस फिल्म का ट्रेलर जब रिलीज हुआ तो इसने महज 24 घंटों में ही हॉलीवुड फिल्म एवेंजर्स एंड गेम को पछाड़ कर नया रिकॉर्ड कायम करते हुए एक दिन में 4 करोड़ व्यूज और 80 लाख से ज्यादा लाइक्स हासिल किए थे। तो वहीं अब आलिया की फिल्म सड़क दो ने भी एक बड़ा रिकॉर्ड कायम किया है। चौकी मत, ये सच है। सुशांत की फिल्म दिल बेचारा ने जहां पसंद करने का रिकॉर्ड कायम किया था, तो वहीं पिता निर्देशित आलिया की सड़क दो ने ना पसंद किए जाने का रिकॉर्ड कायम किया है। जी हाँ, महज 24 घंटों में ही इस फिल्म के ट्रेलर को 30 लाख से ज्यादा डिसलाइक मिल चुके हैं, जो कि आलिया के लिए एक बड़ी उपलब्धि होने के साथ ही एक रिकॉर्ड भी है। इस फिल्म के ट्रेलर को तो छोड़िए, सड़क दो के पोस्टर का भी ऐसा ही हश्र हुआ था। जब इस फिल्म के पोस्टर को लॉन्च किया गया था, तब बायकॉट सड़क दो ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा था। आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस फिल्म को भी डिज्नी हॉटस्टार पर ही रिलीज किया जाएगा, लेकिन आप इसे दिल बेचारा की तरह मुफ्त में नहीं देख पाएंगे। इसके लिए आपको रिचार्ज करना होगा और सब्सक्रिप्शन लेना होगा, और 28 अगस्त से आप आलिया के एक्टिंग स्किल्स को आजमा सकते हैं। खैर, ये तो हो गई ज्ञान की बात। अब इससे जुड़ी एक खबर भी आपको बता देते हैं। BHP यानी कि विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी ने ट्वीट करके इस फिल्म के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। उनका कहना है कि फिल्म में हिंदू भावनाओं का अपमान किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने नेपोटिज्म पर निशाना साधते हुए ट्वीट कर लिखा कि सुनील दत्त के बेटे हैं संजय दत्त, महेश भट्ट की बेटियां हैं पूजा और आलिया, सिद्धार्थ रॉय कपूर के भाई हैं आदित्य, इन सबकी फिल्म है सड़क दो जो आज रिलीज हुई है। अब महेश भट्ट को बताना होगा कि तुम्हारा और तुम्हारी फिल्म का हश्र खान ब्रदर्स जैसा ही होगा। यही है नेपोटिज्म। तो वहीं उन्होंने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा कि महेश भट्ट के निर्देशन में बनी फिल्म सड़क में एक बार फिर हिंदू आस्था को अपमानित किया गया है, जिसे हॉटस्टार में दिखाया जाएगा। फिल्म में केवल नेपोटिज्म के प्रोडक्ट्स भरे पड़े हैं जिन्हें महेश भट्ट आगे बढ़ा रहे हैं। केंद्र सरकार इस पर कार्रवाई करे। अब ऐसे में क्या होगा क्या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन नेपोटिज्म का बेड़ा गर्क हो चुका है, ये तो सुशांत की मौत ने साफ कर दिया है। आज सुशांत की आत्मा बहुत खुश होगी। विश्वास नहीं होता तो एक बार फिर स्टीव हब से रिक्वेस्ट करिए, वो इतना तो बता ही सकते हैं। खैर, सड़क दो पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और द बोलती बन चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं।